तो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज के शुरू में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग क्रेडिट कार्ड जनरेटर वेबसाइट ब्लॉग में बना सकते हैं, वो भी 3D डेमो के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को हमेशा की तरह बोलूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डेमो दिखा देता हूँ। तो डेमो कुछ इस तरह का होगा। तो यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया रैंडम, करीब 6 अंक तक। यहाँ से ये रैंडम लेगा, यहाँ से भी रैंडम, यहाँ से क्वांटिटी चुन सकते, यहाँ से जनरेट कार्ड पर जितना क्लिक किया उतना यहाँ से शो होगा। यहाँ से आप लोग कॉपी कर लीजिए। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ से कार्ड ने पे यहाँ से पेस्ट किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 3D डेमो दिखा रहा है। यहाँ से आप लोग नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ से कुछ भी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिएगा और यहाँ से CVV में डाल सकते हैं कुछ भी। यहाँ पर देखिए, ये 3D डेमो है। तो यहाँ से आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर ये जैसे वैसे भी रैंडमली करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लोगों को ब्लॉगर में से क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तो आप इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लोगों को करना कुछ नहीं, यहाँ से डेमो देख सकते हैं। यहाँ से मैं डाउनलोड पर क्लिक करना है हमें। तो यहाँ से ये लोड हो रहा है। तो जैसे ये लोड होता है से आप लोगों को क्लिक हेयर टू डाउनलोड, सॉरी यहाँ से मैं बैक जाता हूँ। यहाँ से आई एम नॉट रोबोट, मतलब कि कैप्चा को फिल कर देना है। यहाँ से आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से लोड 3, प्लीज वेट, 3 सेकंड तक वेट करना है। यहाँ से क्लिक टू वेरीफाई पर क्लिक करना है। यहाँ से लिंक डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पे ये लोड हो रहा है तो मैं वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप लोगों को आई एम ए ह्यूमन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से 10 सेकेंड तक वेट करना है। तो यहाँ पर मैं वेट कर लेता हूँ। 6 5 4 3 2 1 0। तो यहाँ पे क्लिक टू वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो आप लोगों को प्लीज़ वेट करा है, उसके बाद लिंक डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये लोड हो रहा है। तो यहाँ पर ये लोड हो चुका है। तो यहाँ से आप लोगों को 5 सेकंड का टाइमर आएगा, यहाँ से वेट कर लेना है। तो यहाँ से मैं वेट कर लेता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर ये हो चुका है। यहाँ से आप लोगों को लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ ऐड आ रहा है, उसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ से लिंक पर होने के बाद यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप लोगों का डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से एरो पर क्लिक करके सो इन फोल्डर कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने पहले से डाउनलोड किया है। तो यहाँ से कुछ इस तरह का फाइल होगा। आपको यहाँ से आप लोगों को राइट क्लिक करके एक्स्ट्रा केयर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये फाइल ओपन होगा। आपको और इसे एडिट विद नोट पैड प्लस प्लस पर क्लिक करना है। यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस करके कंट्रोल सी प्रेस कर देना है। और फिर यहाँ से आप लोगों को ब्लॉगर के डैशबोर्ड में चला जाना है। तो यहाँ से मैं जाता हूँ ब्लॉगर के डैशबोर्ड में, इसे मैं कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये लोड रहा है। यहाँ से आप लोगों को एक सेकेंड, तो यहाँ ये लोड हो रहा है। तो यहाँ पर मैं वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लोड हो चुका है। यहाँ से आप लोगों को एरो पर क्लिक करना है। यहाँ से आप लोगों को न्यू ब्लॉग पर क्लिक कर देना है। यहाँ से एक टाइटल चूज कर लेना है नाम। तो यहाँ से मैंने एक नाम ले लिया, क्रेडिट कार्ड जनरेटर। यहाँ से आप लोगों को नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से एक यूआरएल चूज कर लेना है, यहाँ से मैंने कर लिया। यहाँ से आप लोगों को सेव पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप लोगों को थीम पर क्लिक करना है और यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक सिंपल नाम का यहाँ पर ब्लॉग शो दिखाई देगा।
यहाँ पर थीम है सिंपल वाला नाम का, यहाँ से आप लोग कोई भी चूज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे चूज करता हूँ, अप्लाई पर क्लिक करना है, इसका ये सिग्नल हो जाएगा। यहाँ से आप लोग ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ से एरो पर क्लिक करना है, यहाँ से मोबाइल सेटिंग पर क्लिक करना है, यहाँ से डेस्कटॉप पर क्लिक कर देना है, यहाँ से सेव पर क्लिक कर देना है, यहाँ से फिर एरो पर क्लिक करना है, यहाँ से स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम पर क्लिक करना है, यहाँ से स्विच विदाउट बैकअप पर क्लिक करना है, यहाँ से आप लोगों को एरो पर क्लिक करना है, यहाँ से चेंज नेम बार पर क्लिक करना है, यहाँ से ये ब्लू होगा या फिर ऑफ होगा तो ऑफ कर दीजिए, यहाँ से सेव कर देना है। यहाँ से आप लोगों को एडिट एचटीएमएल पर क्लिक करना है, यहाँ से आप लोगों को जो कोड अपने कॉपी का, यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस करके कंट्रोल बी प्रेस कर देना है, यहाँ से सेव कर देना है। यहाँ से देख सकते हैं इतना हो चुका है। यहाँ से आप लोगों को बैकअप पर क्लिक करना है, यहाँ से व्यू ब्लॉक पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लोड हो रहा है, तो यहाँ से ये देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह बन चुका है यहाँ पर हमारा वेबसाइट। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ से मैंने 5 रैंडमली यहाँ से आ गया, यहाँ से मैंने मान लीजिए मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मास्कर का, यहाँ से मैं नाम चूज कर लेना है, यहाँ से कुछ भी रैंडमली कर देना है यहाँ से भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डेमो कुछ इस तरह का है, यहाँ से आप लोग अगर डेट चाहे तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर डेट नहीं करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं डेट गायब हो गया, अगर CVV नहीं करना है तो नहीं करिए। यहाँ से आप लोगों को क्वान्टिटी मिलेगा, तो यहाँ से क्वान्टिटी मैं 100 रखता हूँ, यहाँ से 100 रख दिया, यहाँ से मैं टिक कर देता हूँ, यहाँ से जनरेट कार्ड पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 100 यहाँ पर लगभग आ चुके हैं। तो अभी इसी तरह ब्लॉगर में क्रेडिट कार्ड जनरेटर वेबसाइट बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।